तो हम सबको बड़ा दिल लेकर काम करने की जरूरत है, सबको साथ लेकर चलने की जरूरत है, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो या देश प्रदेश का कोई बड़ा नेता हो, हम सबको साथ लेकर चलेंगे तभी कांग्रेस का परिवार संपन्न होगा और दोबारा सरकार बनेगी। जब तक राजस्थान में सरकार दोबारा हम लोग नहीं बनाते तब तक 2024 के लोकसभा चुनाव में हम बीजेपी को चुनौती नहीं दे पाएंगे। दो बार चुनाव हुए राजस्थान में, हमें कामयाबी नहीं मिली, लेकिन अभी हिमाचल प्रदेश में और कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाकर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है। आज हमारे अध्यक्ष खड़गे जी हैं, राहुल जी हमारे नेता हैं, उन दोनों ने मिलकर प्रियंका जी ने सोनिया जी ने पूरे देश में वो रैलियां कर रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, राजस्थान हो। हाल ही में राहुल गांधी जी आए थे, प्रियंका जी आई थी, उनका क्या संदेश था? उनका संदेश था एकजुटता से हम चुनाव लड़ेंगे तो इतिहास बदलेंगे, जो 30 साल में नहीं हो सका वो राजस्थान में इस बार होगा, 2 महीने बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, आप लोगों के आशीर्वाद से। साथियों, ये अजीतगढ़ की सभा, चुनाव का माहौल, आप लोगों के अंदर जो जोश है और खासकर हमारे नौजवान साथियों में, इसमें सबसे बड़ा योगदान आदरणीय दीपेंद्र सिंह जी का है कि इन्होंने सत्ता में रहते हुए या विपक्ष में, विधायक हो या ना हो, 36 कौम को साथ के रखा है, सब लोगों को साथ लेकर चले हैं, अगड़ों को, पिछड़ों को, किसानों को, महिलाओं को, हर जाति बिरादरी के लोगों को, समाज के लोगों को प्रोत्साहित किया, पद दिए, सम्मान दिया। और कार्यकर्ता सिर्फ सम्मान का भूखा होता है, कार्यकर्ता सिर्फ मान सम्मान का भूखा होता है, और वो खूब दोनों हाथों से लुटाया है शेखावत साहब ने क्षेत्र में, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। 40-45 साल से कांग्रेस पार्टी को अच्छे बुरे समय में आपने संबल दिया और ताकत दी है, और कांग्रेस पार्टी भी इस बात का एहसास रखती है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी जानती नहीं किन लोगों ने हमारी पार्टी को, जड़ों को मजबूत करने का काम किया। चुनाव का समय है, सब तरह की चर्चाएं होंगी, सब तरह की बातें होंगी, लेकिन आप लोगों ने जिस मजबूती के साथ कांग्रेस का दामन पकड़ कर रखा है, आज वही मजबूती हमें दिखानी पड़ेगी। लेकिन इस सभा के बाद मैं कह सकता हूं कि इस पूरे जिले में, पूरे शेखावटी में दोबारा कांग्रेस का तिरंगा रंग चढ़ेगा और हम सब लोग आने वाले समय में कामयाब होंगे। दोस्तों, चुनाव के समय में हमें जोश भी चाहिए और होश भी चाहिए। अक्सर मैं देखता हूं, आजकल नया प्रकरण चल गया, जेसीबी पे चढ़ जाते हैं, फूल फेंकते हैं, और मैं तो जेबों से फूल निकालते निकालते मुझे आधा घंटा लग गया। ये प्यार भी दर्शाते हैं। मैं नौजवान साथियों को बोलना चाहता हूं, माता बहनों को बोलना चाहता हूं, आपका जोश, आपका उत्साह सर माथे पर है, लेकिन राजनीति यहां से नहीं होती, यहां से होती है। इसलिए सोच समझकर हर बात को रखना। हमारा एक एक अल्फाज, एक एक शब्द बड़ा कीमती होता है, और जो शब्द मुंह से निकल जाते हैं वो वापस नहीं आते। और राजनीति में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिसमें बाद में पछतावा हो। मुझे भी 20-25 साल हो गए, मैंने भी राजनीति में बहुत से विरोधी देखे, दोस्त देखे, लेकिन मैंने कभी भी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया जो अमर्यादित हो। जो शब्द मैं आलोचना करता हूं तो तगड़ी करता हूं, मैं आलोचना करता हूं विचारधारा की करता हूं, सरकार की करता हूं, प्रशासन की करता हूं, विरोधियों को चैन की नींद सोने नहीं देता, लेकिन मैंने स्वर्गीय पायलट साहब से देखा राजनीति में। वो फौज के अफसर थे, मैं भी फौजी हूं, फौज में अनुशासन होता है, अनुशासन के बिना कोई संगठन, कोई दल, कोई सरकार काम नहीं कर सकती। मेरा आपसे आग्रह है, अपने शब्दों में हम सब लोग उनका चयन करें। जैसे मैंने कहा, जो मुंह से निकल गया वो वापस नहीं आता, तो हमें मान सम्मान के साथ अपनी बात को रखना चाहिए। नौजवान में बहुत जोश होता है, राजस्थान में हर जिले में हम जाते हैं, सैकड़ों के तादाद में आप लोग आते हो। मेरा आपसे इतना ही आग्रह है कि इस जोश को बरकरार रखो, आने वाला समय आप सब लोगों का होगा, किसानों का होगा, नौजवानों का होगा।
आप सबके लोकप्रिय नेता, हमारे बुजुर्ग आदरणीय शेखावत साहब, एआईसीसी के हमारे सचिव सह प्रभारी, हरिद्वार की पावन भूमि से आते हैं हमारे भाई काजी निजामुद्दीन साहब, प्रदेश सरकार में मंत्री हेमराम चौधरी साहब, हरीश मीणा जी, इंद्राज जी, महेश शर्मा साहब, वीरेंद्र जी, सुरेश मोदी साहब, बालिंदु जी, मंच पर सभी तमाम हमारी पार्टी के पदाधिकारीगण, नेतागण और इस किसान सम्मेलन में मौजूद आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं कि आज कांग्रेस पार्टी के इस विशाल किसान सम्मेलन में अजीतगढ़ में आज ऐतिहासिक सभा आप लोगों ने करी है। इसके लिए आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी मुझसे पूर्व भाषण दे रहे थे सभी साथी, वीरेंद्र जी ने बोला, सुरेश जी ने बोला, जिले के प्रदेश के तमाम नेताओं ने अपनी बात को रखा और जो उत्साह, जिस जोश के साथ आपने इस सभा का आयोजन किया, हम सबका स्वागत किया, वो जोश और उत्साह मन से आता है, कोई मजबूरी में या लालच में या डरकर इस प्रकार की सभा नहीं होती। आज जो हमारे नौजवान बैठे हैं, जो जमीन पर बैठे हैं वो बैठे हैं, जो बल्लियों पर चढ़कर बैठे हैं वो इसलिए बैठे हैं क्योंकि उनके मन में उत्साह है। और ये बात बिल्कुल सही है, हेमराम जी ने कहा, शेखावत साहब ने कहा, काजी साहब जब यहां पहली बार आए थे प्रभारी बनकर, उस समय हम विपक्ष में थे, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष उस समय मैं था। मुझे कहते हुए बहुत फक्र होता है साथियों कि शेखावत की जमीन ने, इस धरती ने कांग्रेस का दामन इतनी जोर से पकड़ा कि लगभग सभी सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीती थी और ये आप लोगों के आशीर्वाद से मुमकिन हो सका था। आज दोबारा चंद दिनों के बाद विधानसभा के चुनाव की घोषणा हो जाएगी, 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, मिजोरम में और राजस्थान के अंदर। पिछले 3 दशकों में जब जब सरकार बनी है तो दूसरी पार्टी की सरकार आ जाती है, 5 साल सरकार भाजपा की, 5 साल सरकार कांग्रेस की, उसमें बदलाव लाने के लिए हम सबको मिलकर मेहनत करनी पड़ेगी। आज मुझे इतनी खुशी है, जब शेखावत साहब कुछ समय पहले बीमार पड़ गए थे, मैं अस्पताल में उनको देखने जाता था और सचमुच उस पीड़ा से वो गुजरे हैं, उन बीमारियों का सामना किया। कई बार डॉक्टर भी मुझे कहा करते थे कि इस उम्र में इतनी बड़ी बीमारी जब हो जाए व्यक्ति को, तो दवाई भी काम करती है, दुआ भी काम करती है, लेकिन ये श्रीमाधोपुर जो शेखावत साहब की पहचान से आज माधोपुर जाना जाता है, आप लोगों के आशीर्वाद से आज हमारे बीच में आप खड़े हैं। मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने पिछले 40-45 सालों में ना सिर्फ वोट दिया है, समर्थन दिया है, लेकिन दिल से दुआ दी है, जो अस्पताल से जूझ कर आज हमारे बीच में शेखावत साहब खड़े हैं। 1980 के बाद कांग्रेस पार्टी को सींचने का काम किया है और कांग्रेस पार्टी को जिन नेताओं ने सींच कर आज यहां तक वो लेकर आए हैं, चाहे वो आदरणीय नारायण सिंह जी हो, चाहे आदरणीय हेमराम सिंह जी, हेमराम चौधरी साहब हो, दीपेंद्र सिंह जी हो, इन लोगों ने अच्छे बुरे समय में कांग्रेस को मजबूती देने का काम किया है। आज देश में भाजपा का राज है, 9.5 साल से भाजपा का केंद्र में सरकार का काम हुआ, आप लोगों ने देखा है, ये बीजेपी केंद्र में सत्ता में फेल हो रही है और राजस्थान में विपक्ष में फेल हो रही है। अभी बताया स्पीकर साहब ने, भाजपा की भी यहां रैली हुई थी श्रीमाधोपुर में, कितने लोग उस सभा में गए थे और कितने लोग आज मौजूद हैं, इस बात को दिखाता है आने वाला समय आप लोगों का है, आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है। 5 साल जब कांग्रेस पार्टी विपक्ष में थी,
दीपेन सिंह जी ने पार्टी में बहुत पदों पर काम किया है, स्पीकर है विधानसभा के, मंत्री रहे, संगठन में लगभग हर पद पर काम किया, लेकिन वो पांच साल जब बीजेपी के 163 विधायक थे, 25 सांसद थे, केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार थी, वो पांच साल का संघर्ष इस कांग्रेस पार्टी के निर्माण जब हम लोगों ने किया, वो संघर्ष इसलिए कामयाब हुआ क्योंकि इस जिले ने, इस क्षेत्र ने, आप सब लोगों ने कांग्रेस का साथ दिया था। आज मैं आप लोगों से दोबारा आह्वान करने आया हूं, टिकट की प्रक्रिया होती है लेकिन यहां बैठे जनता जनार्दन अपने आप टिकट भी तय कर देगी और जीत भी लेकर आएगी। कांग्रेस पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं से आह्वान करना चाहता हूं, अनुशासन में रहकर हम लोगों को अपनी बात को आगे रखना है, किसान की, मजदूर की, नौजवान की, महिलाओं की बातों को आगे रखना है। और कांग्रेस पार्टी की सरकार अगर दोबारा हम लोगों को बनानी है तो हम सबको बड़ा दिल लगाकर काम करने की जरूरत है, सबको साथ लेकर चलने की जरूरत है। पिछले 3 दशकों में जब जब सरकार बनी है तो दूसरी पार्टी की सरकार आ जाती है, 5 साल सरकार भाजपा की, 5 साल सरकार कांग्रेस की। उसमें बदलाव लाने के लिए हम सबको मिलकर मेहनत करनी पड़ेगी। आज मुझे इतनी खुशी है जब आप लोगों के अंदर जो जोश है और खासकर हमारे नौजवान साथियों में, इसमें सबसे बड़ा योगदान आदि ने दीपेन सिंह जी का है कि इन्होंने सत्ता में रहते हुए या विपक्ष में, विधायक हो या ना हो, 36 कौम को साथ के रखा है, सब लोगों को साथ लेकर चले, अगड़ों को, पिछड़ों को, किसानों को, महिलाओं को, हर जाति बिरादरी के लोगों को, समाज के लोगों को प्रोत्साहित किया, पद दिए, सम्मान दिया। और कार्यकर्ता सिर्फ सम्मान का भूखा होता है, कार्यकर्ता सिर्फ मान सम्मान का भूखा होता है, और वो खूब दोनों हाथों से लुटाया है शेखावत साहब ने क्षेत्र में। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, 40-45 साल से कांग्रेस पार्टी को अच्छे बुरे समय में अपने संबल की और ताकत दी है, और कांग्रेस पार्टी इस बात का एहसास रखती है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी जानती नहीं कि इन लोगों ने हमारी पार्टी को, जड़ों को मजबूत करने का काम किया है। चुनाव का समय है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी परवरिश ऐसे माहौल में हुई है जहां अपने से बड़ों का, बुजुर्गों का मान सम्मान करकर मन को तृप्ति मिलती है। और सच में किसी से दो मीठे बोल बोल लो, किसी को प्यार से बात कर लो, मान सम्मान दे दो तो जेब से कोई खर्च नहीं होता, जबान घिसती नहीं, प्यार से बात करना। माहौल आजकल राजनीति ऐसी हो गई है, टकराव की राजनीति, नफरत की राजनीति, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, गाली गलौज की राजनीति, ऐसी राजनीति से परहेज करना चाहिए। आने वाले बच्चे बच्चियां हम लोगों को देखते हैं, हमारे भाषणों को सुनते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ी को लगे कि कैसे नेताओं को चुनकर हम लोगों ने भेजा है। उतार चढ़ाव आते हैं, समय अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, लेकिन आचरण में, व्यवहार में, बोलचाल में, भाईचारे में, प्यार में, मोहब्बत में, संस्कारों में, इसमें कभी कमी नहीं आनी चाहिए। और मैं जब अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का था, वसुंधरा राजे जी यहां मुख्यमंत्री थी, 163 विधायक थे, उनका राज चलता था, लेकिन हमने विपक्ष में, चाहे पानी हो, चाहे सिंचाई हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिला हो, हर मुद्दे पर सरकार ने अगर कहीं गलती करी तो हमने उनको सचेत किया। और मुझे खुशी इस बात की है, जब उनका तानाशाही राज चलता था वसुंधरा जी का, तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते हम संख्या बल पार्टी बहुत कम थी, जैसे हेमराम जी बता रहे थे, हम सिर्फ 21 विधायक जीत कर आए थे, 21 विधायकों का हमारा संख्या बल था, लेकिन सड़कों पर कांग्रेस मौजूद रही। उस कारण से आपके सहयोग के साथ हम लोग सरकार बनाने में कामयाब हुए 2018 के अंदर। अब दोबारा वो समय आ गया, आप लोग अपने मत का प्रयोग करो, और जैसा मन से बार बार कहा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी बहुत सोच समझ कर यहां से टिकट देगी, और जो टिकट कांग्रेस पार्टी देगी उस टिकट पर आप मोहर लगाकर हमारे हाथों को मजबूत करो। आदरणीय दीपेन सिंह जी ने बहुत लंबे समय से मुझे सानिध्य दिया है, हमारा साथ दिया है, और कांग्रेस पार्टी को मजबूती देने से, हम लोगों को मजबूती देने से मैं समझता हूं क्षेत्र का विकास भी होगा। आप लोगों से मैं इतना कहना चाहता हूं, आज जो जोश आप में दिखा है, अब पीछे नहीं हटना,
हर मोर्चे पर हर चुनौती का सामना करना है और डंकी की चोट पे जो आज तक यहाँ जीत कांग्रेस ने हुई उससे ज्यादा बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी की आप लोगों को करानी है। ये तालियों से मैं मानने वाला नहीं, अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो जितने लोग यहाँ मौजूद हैं सब लोग दोनों हाथ खड़े कर मुझे आश्वासन दे जाओ कि माधोपुर की जमीन से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। मेरे साथ जोरदार नारा देना।